गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम एक ऐसे स्टॉक की एनालिसिस करेंगे जो कि अपना अप ट्रेंड का साइकिल कंप्लीट करके डाउन साइड स्टार्ट करने वाला है। अभी स्टार्ट किया नहीं है, स्टार्ट करने वाला है। उस स्टॉक का नाम है सीएट। सीएट को हम देखते हैं। सीएट का जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है 20 दिनों का 1170 रुपए का, और 50 डीमा जो है 1192 रुपए का है। तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड के अप ट्रेंड साइकिल को अचीव किया है और फिर से इसमें नीचे के लेवल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि गैन टाइम प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे इसने अप ट्रेंड का डेट और प्राइस अचीव कर लिया है। इसने 62% रिट्रेसमेंट जो है 1284 रुपए का टारगेट को टच किया है। टारगेट डेट जो फर्स्ट था 16 नवंबर का टारगेट डेट था। गैन एंगल के हिसाब से इसने सेकेंड ऑर्बिट के 315 डिग्री के एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को टच किया है। और इस तरीके से देखा जा रहा है कि इस स्टॉक में अप ट्रेंड का अगर साइकिल कंप्लीट हो गया तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अब कहां से स्टार्ट होगा तो उसके लिए एडवांस ऑर्बिट एंगल एनालिसिस में देखेंगे कि ये एक लेवल है, वीकली ब्रेकआउट लेवल जो है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 1236 रुपए के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और 1236 रुपए के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक अप ट्रेंड ही रहने के चांसेज है। लेकिन गैन टाइम प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे अगर ये कंप्लीट कर चुका है, गैन एंगल के हिसाब से इसने टारगेट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक पे इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का वेट करना चाहिए। और अगर तरीके से अगर इसमें स्टडी किया जाए, इंट्राडे गैन एंगल के हिसाब से अगर ट्रेड किया जाए तो 1260 के आसपास हाई बना करके दोबारा से आज निचले लेवल को ब्रेक करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इस स्टॉक में डाउनसाइड साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इस स्टॉक को 1180-1185 रुपए की तरफ लेके आ सकता है। तो मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि इस स्टॉक को आप सेल करें, लेकिन एज पर गैन टाइम प्राइस एनालिसिस, गैन एंगल एनालिसिस और वोलेटिलिटी एंड डाटा एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी 5-6% बढ़ा है कल के सेशन में। शॉर्ट बिल्डअप देखा जा रहा है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के बाद ये डाउन साइड स्टार्ट करने वाला है इस स्टॉक। और मेरा जो व्यू है, इस स्टॉक में दोबारा से निचले लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम ये भी देखेंगे कि एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है 1270 रुपया, ये एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज 100 डीमा है और 200 डीमा है, ये सब कुछ एक लेवल पे आ जाए। अभी अनएडजस्टमेंट वे में है तो इसलिए इस स्टॉक का बॉटम अभी नहीं बना है। हो सकता है प्राइस वाइज हमने 1000 और 1000 के नीचे का बॉटम देखा है, वो दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो एक इम्पोर्टेंट बॉटम बन चुका है, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1200-1300 और 1000 इसके रेंज में ही रहने वाला है। तो इस स्टॉक में हम यहां से शॉर्ट साइड पोजिशन देख सकते हैं, शॉर्ट होते हुए गिरावट होते हुए देख सकते हैं। ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने एनालिसिस करने की कोशिश किया है कि यहाँ पे अगर ऐसे स्टॉकों का टॉप बन रहा है तो निफ्टी में भी और बहुत सारे स्टॉकों पे इस तरीके का एनालिसिस करके ये देखा जा सकता है कि किस किस स्टॉकों में मंदी आने के चांसेज है, वो मंदी मार्केट के लिए किस तरीके का ट्रेंड उभार के लाएगा, वो उसकी भी हम समीक्षा कर सकते हैं। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम और भी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आएंगे किस किस स्टॉक का टॉप बन रहा है और क्या टारगेट देखा सकता है, और इस स्टॉक का अगर ये डाउनसाइड स्टार्ट होगा तो कहां पे बॉटम बनेगा, किस डेट को बॉटम बनेगा, उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि मैं और भी इसी तरीके से एनालिसिस लेकर के आऊं। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।